Hey everyone, this is Tuti Rasha from the Young Mind family of class 11. We are going to start property of solid. So, what are solid? Solid is a rigid body. Rigid body means a hard body having definite shape and size. For example, हमने एक वजन दिया जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो जो स्प्रिंग है वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और हम वजन को हटा देंगे तो स्प्रिंग अपनी शेप में वापस आ जाएगा. तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी. Elasticity, it is a property of a body by which it can regain its original shape and size after the removal of deforming force is called elasticity. Deforming force, it is a change in the configuration of the body. एक ऐसा force जो किसी भी body की shape या size में change लाते हैं उसको हम deforming force कहेंगे. There are two type of elasticity. First is perfectly elastic body. एक ऐसी body जो अपनी shape और size जल्दी से regain कर लेती है, हम उसको perfectly elastic body कहते हैं. A body which can regain its original shape and size immediately after the removal of deforming force is called perfectly elastic body. Second is perfectly plastic body. A body which cannot regain its original shape and size after the removal of deforming force is called perfectly plastic body. जो body अपनी shape और size regain नहीं कर पाता उसको हम perfectly plastic body कहते हैं. Third stress, it is an internal restoring force acting per unit area. जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के अंदर जो एटम है मॉलिक्यूल होंगे वो उस बॉडी की ओरिजिनल शेप और साइज में लाने की उसको कोशिश करेंगे, उसको हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए बाय एफ इज द फोर्स एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. स्ट्रेन जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स देंगे तो उसकी बॉडी में चेंज आएगा, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं. इट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगुरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगुरेशन. Young modulus, it is a ratio of normal stress to the longitudinal strain. It is denoted by capital Y. Its formula is F upon A upon del L upon L. From this information, we are going to solve a numerical based on this. Our structure steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1 meter. A 100 kN force stretches it along its length. मतलब एक steel rod है जिसका radius हमें 10 mm दे रखा है और लेंथ जो है वो 1 meter दे रखी है. एक फोर्स 100 kN की उसकी लेंथ को स्ट्रेच करी है तो हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस और एलोंगेशन. जब हमें यंग मॉडुलस ये रखा है 10 × 10^11 Nm² तो उसमें हमें गिवन है रेडियस 10 mm जिसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे 10^-2 meter. लेंथ हमें दे रखी है 1 meter. फोर्स हमें 100 kN दे रखा है तो किलो न्यूटन को हमें न्यूटन में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यंग मॉडुलस हमें 10^11 Nm² दे रखा है. हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस तो हमें पता है स्ट्रेस होता है एफ अपॉन ए. ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पाई आर स्क्वायर. हमें फोर्स दे रखा है 10^5 N. पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड रेडियस स्क्वायर होता है मतलब रेडियस हमें दे रखी है 10^-2 उसका स्क्वायर. तो इससे हमें स्ट्रेस मिल जाएगा 3.18 × 10^8 N/m². एलोंगेशन हम निकालेंगे यंग मॉडुलस के फॉर्मूले से y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल एल अपॉन एल. उसको हम रीअरेंज करके डेल एल निकाल देंगे क्योंकि एलोंगेशन होता है डेल एल. तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे. हमें एफ अपॉन ए स्ट्रेस होता है तो हमने स्ट्रेस ऊपर निकाला था. स्ट्रेस की हम वैल्यू रख देंगे. एल हमें लेंथ 1 दे रखी थी और वाई मतलब यंग मॉडुलस हमें इतना दे रखा था तो हमें इससे 1.59 × 10^-3 meter आ जाएगा. उसको फिर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. थैंक यू.